मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, बिल्कुल बादल बादल सा। ये देखिए आपको दिखाते हैं, मौसम देख रहे होंगे। और मैं छत में चली आई हूँ और तैयार थे इसलिए, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। और आज मैंने पहन ली है ग्रीन ग्रीन साड़ी, तो चलिए आपको दिखाते हैं। एक मिनट देखिए, ये देखिए तो आप लोग देख रहे होंगे मौसम। और बंदर ना हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा बंदर आते हैं, इतना तंग कर लेते हैं। समझ लीजिए अभी दरवाज़ा खुला था, अंदर घुस गए हैं, तो वो रखा हुआ था उसमें जौ, और वो पूरा जौ ना गिरा दिए हैं। और मौसम देखिए बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत मौसम है। इस तरह के मौसम में ना कहीं बाहर जान घूमने का मन करता, पर मैंने आज पहन ली है ग्रीन ग्रीन साड़ी, तो आप लोगों के लिए पहन लिया है। मैंने कहा चलिए दिखा दे, छत में तो आ गई हूँ, पर पता है ना इतना तेज मौसम घेरे है, मैं सोच रही थी एक दो वीडियो बनाऊंगी, नहीं बनाने लायक है, मौसम बहुत ख़राब है और बारिश हो जाएगी। तो चलिए हम छत का जो है लगा लेते हैं दरवाज़ा, और लगा लेते हैं। और छत में ना आने लायक है, इतने ज़्यादा बंदर है कि यहाँ पे बिल्कुल आने लायक नहीं रहता है। मैंने सोचा था दो तीन वीडियो बनाऊँगी, पर नहीं बनाऊँगी। पर चलिए नीचे चलती हूँ, आपसे बात करती हूँ नीचे। मैंने पहना था ग्रीन ग्रीन साड़ी, मैंने सोचा आप कोई वीडियो बनाऊँगी, लेकिन नहीं बना पाई। और बंदर आक्रमण कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हमारे घर में आते हैं। सच में अगर छत में सोचो कि जा कर के थोड़ा सा बैठो, वहाँ का कोई थोड़ा सा व्यू लो ना, तो नहीं ले सकते, बंदर सबसे पहले वहाँ मेरे यहाँ पहुँच जाते हैं। और मौसम आज बहुत घिरे, और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा छोटा वाला बेटा फिर से रिटर्न होकर के आ रहा है घर। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका कॉलेज अभी बंद है, 3-4 को खुलेगा। तो मेरे हस्बैंड कहे क्या करोगे, क्योंकि अभी कुछ वो सामान भी नहीं लेके गया था खाने पीने का। तो मेरे हस्बैंड कहे क्या करोगे, तो चले आओ घर, फिर जब हम वापस जाएंगे तो आपको हम छोड़ देंगे। तो आज मेरा बेटा आ रहा है फिर से, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और अभी खाना बनाना है और चाय मुझे बनाना, मेरे हस्बैंड दूध ला के रख दिए हैं। तो मैंने कहा चलो, मैं गई थी छत में ना वीडियो बनाने, पर बहुत ज़्यादा बंदर है सच में। और मेरे हस्बैंड ना दरवाज़ा गेट खोल करके चले गए, बहुत बदमाश है, इनको मैंने मना किया है फिर भी नहीं माने हैं। तो ये नीचे चलते हैं, यार छत में जाने लायक नहीं है। मैं आ गई हूँ अपने रूम, चलिए रूम में आ गए भैया। बहुत ज़्यादा बंदर हैं, बहुत ज़्यादा, सच में ना बिल्कुल मतलब रहने लायक नहीं है छत में। सोचो कि जाकर के छत में थोड़ा सा वीडियो बनाओ, थोड़ा सा, लेकिन नहीं। मैंने साड़ी पहन ली है, सावन 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 आया बादल छाए, जी बताइए कौन कौन जो है गुड़िया पर अपने मायके जाता है, सच बताना। भाई मैं तो नहीं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ घर की जिम्मेदारियाँ हैं, सो मैं नहीं जा पाती। हाँ पहले जाया करती थी, जब बच्चे छोटे छोटे थे तब जाती थी, लेकिन अभी नहीं जा पाती हूँ। तो चलिए चलते हैं, घर का कुछ काम करते हैं किचन में, और मैंने चढ़ा रखा है चाय, तो चलते हैं पहले चाय को पीते हैं, एंजॉय करते हैं, और यहाँ की लाइट कर देते हैं बंद। चलिए अंधेरा हो गया ना, दिख नहीं रहा है कुछ, अब दिखा, दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ पर ये देखें हमारी चाय ना बनी रखी है, तो हम चाय को गरमा देते हैं और रख देते हैं मोबाइल को टिबिके पर ऐसे, और फिर आज से बात करते हैं, है ना। तो चलिए चाय को गरमाते हैं, और ये देखिए मेरे हस्बैंड तावा लेकर के आए हैं, ये बच्चों को, बच्चों के बेटे को ज़रूरत थी तो वो लेकर के आए हैं। तो मैंने कहा आज ही लेकर के आए हैं, पर कहे ठीक है मुझे दिख गया अच्छा, तो मैं ले आया। मैंने कहा चलो ठीक है ले आए हैं, रख देते हैं, और अच्छा जब जाएगा लेकर जाएगा, अभी तो इसको संभाल के रख देते हैं।
से रख देती हूँ। हमारी चाय गर्म हो जाती है और यहाँ पर मैंने निकाल लिया है देखिए चार टमाटर। तो आज हमारा बच्चा आने वाला है तो उसके लिए हम आलू टमाटर बनाएंगे, उसको आलू टमाटर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ले आए हैं मेरे हस्बैंड चिकन, तो इसको चलते हैं पहले हम भगोने में निकाल लेते हैं ऐसे। और इसके लिए मैं लाती हूँ भगोना, एक मिनट आती हूँ। पता है वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा दो बार मोबाइल गिर चुका है। एक बार मैं बाहर के रूम में बैठी थी तो मेरा मोबाइल गिर गया था, और यहाँ मैं अंदर आई हूँ तो अभी मैं वीडियो बनाते बनाते मेरा मोबाइल बच गया, नहीं गिर जाता। तो इसी तरह होता है, मेरा बच्चा कहता है मम्मी तुम मोबाइल को कहीं बेकार ना कर देना। मैंने कहा क्या करूँ बेटा, और वीडियो बनाना रहता है ना, जरा सा थोड़ा सा ही कुछ होता है ना बस तुरंत मोबाइल नीचे चला जाता है, तो क्या करिए। चलिए पहले ही चाकू, सॉरी आपको नहीं दिखा रही हूँ, मैं जा रही हूँ दूध का पैकेट खोलने, और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है। ये पॉलीथीन में आता है तो ये देखिए इसको काटना पड़ता है मेरे को। आप लोग डर गए क्या? बिल्कुल नहीं, डरना नहीं, आप लोग मेरे इतने स्वीट स्वीट फ्रेंड हो, आपको मैं चाकू थोड़ी नहीं दिखा रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत सोचना भाई। और ये ना चाकू ना बहुत खतरनाक है, देख लीजिए लोहे का चाकू है, देख रहे हैं? ये हमारी बड़ी बुआ दी थी हमको बनवा करके, पर पता है ये चाकू मेरे को दो तीन बार मेरे हाथों में लग चुका है। परसों नरसों भी लग गया था, भिंडी काट रही थी लग गया था, यहाँ पर उंगली में ब्लड आने लगा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो फिर हमने नेल पेंट लगा लिया था भाई। ये हमारे हस्बैंड अभी इसको बनवा नहीं रहे हैं, मैं कह रही हूँ इसको बनवा दो, पर ये नहीं बनवा रहे जी। दूध में थोड़ा सा पानी डालते हैं, अक्सर कहा जाता है दूध कभी निचला ऐसे नहीं पकाया जाता, ज़रूर उसमें थोड़ा बहुत पानी डालना चाहिए। और तो हम डाल देते हैं, अक्सर मैंने अपने मम्मी को भी देखा है जब भी दूध पकाती थी तो वो दूध में थोड़ा सा पानी हिलाकर भगोने में डाल देती थी जी, वैसे ही हम भी करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, और आज मैं इसको बनाऊंगी और ननुआ की सब्जी बनाऊंगी, आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं ननुआ रखी हूँ, तो इसको मुझे छीलना और काटना है, और यहाँ पर ये टमाटर रखे हैं, तो मैं सिर्फ तीन आलू का आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी चाय बन रही है, तो आज आप भी आ जाइए हमारे साथ इवनिंग की चाय पी लीजिए। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है बिल्कुल, लेकिन अब मौसम अच्छा हो गया है, बारिश हो गई है लगातार हो गई है। और ये झोला मेरे हस्बैंड लेके जाते हैं दूध लेने, गीला हो जाता है अभी बीच में, अभी पन्नियाँ ना बंद हो गई हैं, तो पहले डिब्बा लेके जाते थे, पर डिब्बा क्या है ना थोड़ा सा उसमें से दूध छलक जाता था, झोले में ले करके आते थे तो दूध छलकने लगता था, तो फिर मेरे हस्बैंड सारे दूध वाले से बोले भैया पन्नी दिया करो, इंता ना करा करो, तो फिर वो पन्नी में फिर दूध देने लगा, कहा भैया आधा से ज़्यादा तो दूध हमारे गिर ही जाता है, जो ना ले जाते गिरे जाते। तो फिर हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बिरादर के हैं, तो दे देते हैं, मतलब अच्छे हैं, हमारे रिलेशन में आते हैं जहाँ से दूध डेरी आता है, जो है मौर्या है वो भी। यहाँ पर ये देखिए हमारी चाय जो है बन गई है, तो चलिए हम छन्ना लाते हैं। और हमने अभी यहाँ की लाइट नहीं जला रखी है क्योंकि अभी ना दिन है, तो छन्ना ले लेते हैं। और यहाँ पर बर्तन वो धुल करके गई है, चलिए छानते हैं चाय। और मेरी को आदत है गिलास भर के चाय पीने की, कप में मेरे से होते नहीं, आप लोग सोचते हो कि गिलास में ही चाय पीती हूँ, तो जी हाँ मुझे गिलास में ही मेरा मन भरता है, मैं भी पीती हूँ और मेरे बच्चे भी गिलास में पीते हैं चाय। बड़ा वाला सिर्फ कप में पीता है क्योंकि वो ज़्यादातर ना चाय नहीं कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो वो जो है इसी में
कप में पीता है हम और हमारा छोटा वाला बेटा, और ये है शुगर फ्री। तो चलिए इट्ठू निकालते हैं, डाल लेते हैं। ये है गोली, इसको डाल दिया, गोली खानी पड़ती है रोज। मेरे हस्बैंड कहते तेरा अच्छा है, मैंने कहा ठीक है, एक या दो तीन हो जाती हैं, ये मीठा तो नहीं रहता है ना। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने चाय ले लिया है, और इसके साथ हूँ मैं बिस्किट। मैं नमकीन नहीं खाती, आपसे बताऊँ जब कोई आ जाता है ना तभी फिर मैं नमकीन इस्तेमाल करती हूँ, और नहीं तो मैं नमकीन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। शाम के समय थोड़ा बहुत यदि ले लिया मन हुआ तो, नहीं मैं बिस्किट सवेरे भी बिस्किट पहले टोस्ट खाती थी आपसे बताया था, लेकिन इस समय टोस्ट बंद कर दी हूँ, इस समय मैं बिस्किट ले रही हूँ। ज़्यादा ऑयली चीज़ें इस समय मैं बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैंने चेकअप कराया था तो मेरा फैटी लीवर निकला था, तो इस वजह से थोड़ा सा। लेकिन कभी कभार यार खाने का मन करता है ना कोई चीज़ थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ पहले की अपेक्षा मैंने बहुत कम कर दिया है, ऑयल चीज़ें बिल्कुल खाना बंद कर दिया है। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं, बस हम चलते हैं चाय पीते हैं, हमारे साथ आप भी चाय पी लीजिए। और यहाँ पर मैंने देखिए रख दिया है दूध, तो मेरा दूध पक रहा है, चलते हैं ननुआ छीन लेते हैं। वो देखिए ननुआ रखा है, और फिर हम आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बनाएंगे। और आज क्योंकि हमारा छोटा वाला बेटा आ रहा है, ठीक है, तो अभी तीन चार दिन रहेगा, तो अच्छा लग रहा है। और देखिए समय निकाल के हो सकता है जाती हूँ शंकर जी के दर्शन करने भी, क्योंकि सावन का व्रत रहती हूँ मैं, तो सोची हूँ कि जाऊँगी। उस बार तो नहीं जा पाई थी, और इस बार सोच रही हूँ कि जाऊँगी, भोले बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर जाऊँगी, अपने मन से तो नहीं कह सकते कि जाना है ना। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक दे देना यार, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और फुल वॉच करके वीडियो देखो। हाँ कभी कभी थोड़ी वीडियो मेरी बड़ी हो जाती है, क्योंकि कोई चीज़ जब बताओ कोई चीज़ समझाओ तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो ही जाती है यार। लेकिन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक दे दिया करो, फुल वॉच कर दिया करो, ना अच्छी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ अच्छी लगे तो लाइक दे ही दिया करो, समझे हो भाई बहन सिस्टर। रखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, सभी लोग घर में स्वस्थ रहो। तो बस यहाँ पर ये रात का टाइम है, और मैंने बना लिया है आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी, और इसमें धनिया डाल दिया है, और यहाँ पर मैंने आटा लगा दिया है, और ये है ननवा की सब्ज़ी। तो आज मेरा छोटा बेटा आ रहा है इसलिए मैंने आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाई थी। तो बस जसरा रोटी बनाने जा रहे हैं। आप सब लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। और मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है, सच्चे में ना बहुत अच्छा है। आज मैंने ग्रीन ग्रीन साड़ी पहनी थी, तो मैंने थोड़ा सा छत में मतलब एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, और थोड़ा सा कभी कभी सोच रहे थे कि थोड़ा सा नाच करके भी एक ठो डालूँ, पर छत में ना खड़े हुए थे लोग, तो इसलिए मैं मतलब नीचे चली आई। और अभी जो है ये सुबह का टाइम है, तो मैं ये कहना चाह रही थी मेरा भाई हमारे मतलब मायके में भी लोग देखते हैं डांस वीडियो, तो बोल रहे थे जब देखो तो एक ही स्टेप रहता है, नाच नहीं आता, नाचती है जो है। तो मैंने कहा मतलब चिढ़ा रहा था, नाचना आगे आए आंगन टेढ़ा, हमने कहा चलो कुछ भी जो भी आता है नाच तो लेते हैं, थोड़ा बहुत मन खुश हो जाता है। और ऐसा नहीं है, लेकिन ये है थोड़ा सा हमारे यहाँ अगल बगल में लोग खड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगा करता है। और हमने कहा भैया मुझसे जैसे बनता मैंने कहीं सीखा तो है नहीं, ये हॉबी थी बचपन से ही, नाचती चली आई हूँ हमेशा प्रोग्राम में, हर कॉलेज में डांस हमेशा जो है कंपटीशन में भी भाग लेती थी, तो अब भी वही है, शरीर में लचक बना हुआ है, और जब तक शरीर चल रही है तो एक्टिव रहना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे पेड़ की तरह नहीं खड़े रहना चाहिए, जो है शरीर को हमेशा लचीला बनाना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो भाई मजाक कर रहा था, लेकिन हमको लगा देखो तो कहे दीदी कुछ और ही स्टेप किया करो, ये के स्टेप करती हो, नाच नहीं आता आंगन टेढ़ा। मैंने कहा वो भैया चल ठीक है जैसे है वैसे ही सही, लोग पसंद तो कर रहे हैं मेरा डांस वीडियो। और आज मौसम बहुत अच्छा है, और आज मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ शंकर जी के दर्शन कराऊँ जो है। तो अभी समय छोटा वाला बेटा आया हुआ है, क्योंकि उसका कॉलेज बंद हो गया था, तो फिर हमारे हस्बैंड कहे चले आओ एक हफ्ते, और फिर इधर नागपंचमी का त्यौहार भी है, चलो रहे आना, फिर मैं तीन उनको चलूँगा तो उनको छोड़ आऊँगा। तो अभी बेटा आया है, और आज ना मौसम भी बहुत अच्छा कर रखा है, इसलिए
मेरा मन है कि मैं जाऊँ दर्शन कराऊँ जो है शंकर जी के, और थोड़ा सा घूम टहलाऊँगी तो थोड़ा सा मन बदल जाएगा जो है। तो अभी चलते हैं, खाना बना देते हैं अपने सास ससुर को, वो लोग खा लेते हैं और हम खाएंगे नहीं, चाय वाय पी चुके हैं और क्योंकि दर्शन करने जाना है इसलिए सोच रहे हैं खा के क्या जाने, रिटर्न हो करके आएंगे तब खाएंगे। और मौसम तो बहुत अच्छा है, मैं यहाँ आगे वाले कमरे में बैठी हूँ और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है। तो चलिए ठीक है, मैंने कहा चलिए आपसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो है, और कोई अच्छा काम करो, कोई अच्छी चीज़ करो तो लोग ज़रूर अड़चन डाल देते हैं, ऐसा है वैसा है मतलब। और मेरा जो भाई है ना बड़ा वाला, वो बचपन से ही उसको डांस गाना मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था, अब भी वो बहुत नाराज़ होता है अगर हम शॉर्ट वीडियो में नाच वाच देते हैं ना, तो बहुत नाराज़ होता है, गुस्सा आता है, क्या तुम ये सब कर रही हो जो है, तो पसंद नहीं करता है। लेकिन हमने कहा चलो ठीक है अपनी हॉबी के लिए, तो वही मुझे चिढ़ा रहा था जो है, नाचना आवे आंगन टेढ़ा कहा देखो को बहुत बदमाश है, नटखट है वो बचपन से ना, गाना और डांस ये सब चीज़ उसको बचपन से ही बहुत नफरत थी जो है, अब भी है। ऐसा नहीं मेरी भाभी लोग डांस करती हैं, मेरी भतीजी भी वगैरह, लेकिन उसको पसंद नहीं है ये सब चीज़ें। तो चलिए ठीक है, हम चलते हैं खाना बना देते हैं और सोच रहे हैं कि चले जाएं, अभी तो बारिश नहीं हो रही, मौसम बहुत कूल हो रखा है, तो दर्शन करके आ जाते हैं, आपसे मिलते हैं। अगर देखते हैं वहाँ, कोशिश करेंगे अगर वीडियो बना सकेंगे तो ज़रूर वहाँ के बना के ले आएंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे यदि भीड़ नहीं होगी तो, क्योंकि इस समय सावन चल रहा है ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हर जगह जो है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी ये सारी ब्लॉग का तो प्लीज़ लाइक कर देना ज़रूर। बाय बाय।